सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम कवर करने वाले यूनिट 3 ऑफ द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। सो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने उसको अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप पहले उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट 3 में हम देखने वाले मेरे लिए हैप्पीनेस क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसमें हमारे 3 पॉइंटर्स है, एक तो है कल्चर एंड हैप्पीनेस, दूसरा हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव एंड तीसरा हमारा टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो पहले हम पॉइंटर के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज कल्चर एंड हैप्पीनेस। सो कल्चर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि वो पीपल की वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर को शेप कर सके एंड उनके अंडरस्टैंडिंग एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को भी शेप कर सके। डिफरेंट कल्चर जो है उनके पास वेरिंग डेफिनेशंस होती है एंड आइडियाज होते हैं हैप्पीनेस के, एंड ये जो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल की वेलबींग को। कल्चरल वैल्यूज जो है और जो नॉर्म्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या कंसिडर किया जाता है इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स जो है सच एज दूस फाउंड इन वेस्टर्न सोसाइटीज, जो भी इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स होते हैं जो कि वेस्टर्न सोसाइटीज में फाउंड किए जाते हैं, वे एम्फसाइज करते हैं पर्सनल अचीवमेंट के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर एंड सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर, एंड ये सोर्स होते हैं हैप्पीनेस के। इन कॉन्ट्रेस्ट, अगर हम कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स के बारे में बात करें, लाइक एशियन कल्चर है, या फिर प्रायोरिटाइज जो है प्रायोरिटाइज करता है हारमोनियस रिलेशनशिप को, सोशल कनेक्टेडनेस को एंड फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रोल्स एंड कंट्रीब्यूटर्स ऑफ हैप्पीनेस। अगर हम बात करें कल्चरल नॉर्म्स के बारे में, सो ये कल्चरल नॉर्म्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं वेज हैप्पीनेस इज एक्सप्रेस्ड एंड परस्यूड। सम कल्चर्स जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं इमोशनल रिस्ट्रेंट को एंड फोकस करते हैं ऑन सोशल हार्मनी रेदर देन इंडिविजुअल हैप्पीनेस, वाइल अदर जो है वो इंकरेज करते हैं कि वो परस्यूट करें ऑफ प्लेजर एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। मोर ओवर, अगर हम बात करें कल्चरल फैक्टर्स जो है वो शेप करते हैं सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। फॉर इंस्टेंस, कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को सेंट्रल मानते हैं हैप्पीनेस का, वाइल कुछ ऐसे कहते हैं ये मैरिटल वेल्थ है, मतलब जो मटेरियल वेल्थ है एंड जो सोशल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो उसको हैप्पीनेस के तौर पे लेते हैं। लाइक अगर हम एज अ स्टूडेंट्स देखें तो वो बिलीव कि हमारा जनरली हमारा जो क्या इंपॉर्टेंट होता है, या फिर जो इस समय करियर ओरिएंटेड पीपल है तो दे वांट कि वेल्थ, सोशल स्टेटस वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सोसाइटी में उनको एक्सेप्टेंस चाहिए, सोसाइटी में उन्हें एक अच्छा ऑनर चाहिए, एंड दूसरा मटेरियल वेल्थ बिकॉज एट द एंड आप कितना भी कुछ कर लो बट अगर जब तक आपके पास मटेरियल नहीं है, जब तक आपके पास वेल्थ नहीं है तो यू कैन नॉट सर्व योर फैमिली, मतलब आप अपनी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह पाओगे, या इंपॉर्टेंट भी नहीं तो हम कह सकते हैं एक तरह से प्रोडक्टिव, आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे। अंडरस्टैंड करना कल्चरल वेरिएशंस को और कॉन्सेप्ट्स को ऑफ हैप्पीनेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अप्रिशिएट करना डाइवर्स परस्पेक्टिव्स ऑन वेलबींग। देन वी हैव इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड कंपैरेटिव परस्पेक्टिव। सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के अगर हम बात करें तो ये एक वाइटल है ह्यूमन एक्सपीरियंस का, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एक्सपीरियंसिस का, एंड जो नेचर है इस रिलेशनशिप्स का वो डिफर कर सकता है अक्रॉस कल्चर्स। अगर हम बात करें कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के बारे में, जो कि हमारे को अलाउ करता है कि हम एग्जामिन कर सकते हैं कि कैसे कल्चरल नॉर्म्स जो है एंड प्रैक्टिसेस जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हैप्पीनेस। इन कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स रिलेशनशिप जो है वो ऑफन करेक्टराइज होती है बाई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस एंड अ फोकस ऑन ग्रुप कोहेशन। फैमिली एंड कम्युनिटी जो है वो टाई करती है एंड प्ले करती है एक सेंट्रल रोल एंड हैप्पीनेस जो कि ऑफन डिराइव होती है फ्रॉम मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, फुलफिल करना सोशल ऑब्लिगेशंस एंड कंट्रीब्यूट करना टू द वेलबींग ऑफ द ग्रुप। अगर हम बात करें इंटरपर्सनल हार्मनी एंड म्यूचुअल सपोर्ट के बारे में, जो कि हाईली वैल्यूड होते हैं, एंड इंडिविजुअल हैप्पीनेस जो है ये क्लोजली लिंक्ड होती है टू द हैप्पीनेस ऑफ द कलेक्टिव। अगर हम बात करें इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स के बारे में, सो और पर्सनल ऑटोनॉमी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में जो कि एम्फसाइज होते हैं, एंड रिलेशनशिप्स जो है वो जनरली टेंड होती है टू बी मोर फ्लूइड एंड बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस। हैप्पीनेस जो है इज ऑफन एसोसिएटेड विद फुलफिलिंग पर्सनल गोल्स, परसुइंग इंडिविजुअल पैशंस एंड एक्सपीरियंसिंग पर्सनल फ्रीडम, वाइल जो क्लोज रिलेशनशिप्स होती है वो जनरली होल्ड करती है इंपॉर्टेंस एंड इंडिविजुअल हैप्पीनेस जो है वो इम्पॉर्ट मतलब एक ग्रेटर एम्फेसिस दिया जाता है कि अगर आप एक ग्रुप में हो और एक आप इंडिविजुअल हो तो आप किसी एक इंडिविजुअल के सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं इन कंपैरिजन टू समवन की जो कि आपके एक कलीग वगैरह है, तो उससे आप इतना फ्री नहीं होकर बात कर सकते हैं। सेम विद वी हैव इज कल्चरल वेरिएशंस इन कम्युनिकेशन स्टाइल्स। सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड जो बैलेंस होता है बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस, ये दोनों का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। इंडिपेंडेंस मतलब एक टाइप से आपको इंडिपेंडेंट होना, मतलब आप एक अपने पैरों पे खड़े हो, एंड इंटरडिपेंडेंस
जो कि इन्फ्लुएंस करता है क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन डिलीवर्ड फ्रॉम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अंडरस्टैंड करना इन सारे कल्चर्स को, मतलब इन सारे कल्चर्स को अंडरस्टैंड करना एंड क्या था, हाँ, अंडरस्टैंडिंग दिस कल्चरल डिफरेंसेस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर प्रमोटिंग पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन एंड फॉस्टर करना हैप्पीनेस इन डाइवर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। देन वी हैव टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो अगर हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात करें तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये कॉन्सेप्ट है जो कि पॉपुलराइज हुआ बाय ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो, समथिंग लाइक दैट हम इन्हें कह सकते हैं, जो कि रेफर करते हैं टू द प्रोसेस of fulfilling one's potential and becoming the best version of oneself। ये involve करता है pursue करना personal growth, embrace करना one's strength and values and strive करना for personal fulfillment। cultural factors जो है वो significantly influence करते हैं path of self actualization। different cultures जो है वो may have for varying expectations and societal pressures जो कि shape करते हैं individual के goals and aspirations को। कुछ कल्चर्स में जो है एम्फसाइज किया गया है मे बी ऑन कन्फॉर्मिटी टू सोसाइटल नॉर्म्स एंड फुलफिल करना प्रिस्क्राइब्ड रोल्स, व्हाइल इन अदर्स देयर मे बी ग्रेटर एम्फसिस ऑन सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, के अपने को एक्सप्रेस करना। कल्टिवेट करना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो इन्वॉल्व करता है कि आपको अलाइन करना चाहिए वंस एक्शन एंड चॉइसेस विद पर्सनल वैल्यूज, परस्यू करना मीनिंगफुल गोल्स एंड डेवलप करना एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये ऑफन रिक्वायर होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन एंड अ willingness to challenge societal expectations। Next, coming to our cross-cultural perspectives of self-actualization। So, cross-cultural perspectives जो है वो of self on self-actualization वो highlight करते हैं the importance of considering cultural context and values when exploring personal growth and fulfillment। Recognize करना and respect करना diversity of cultural approaches to self-actualization can lead to more inclusive understanding of happiness and personal development। अगर हम इस पूरे को कंक्लूड करें डेट इज कि ये जो अंडरस्टैंड करना हैप्पीनेस को विद क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट वो नेसेसिटेट्स करता है, नेसिटेट करता है ना इम्पॉर्टेंट या फिर एक कहते एम्फसाइज करता है एन अप्रिसिएशन ऑन कल्चरल वैल्यूज ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डायनेमिक्स एंड द परस्यूट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बाय एक्नॉलेजिंग एंड रिस्पेक्टिंग कल्चरल डिफरेंसेस वी कैन ब्रॉडन our perspectives on happiness and enhance कर सकते हैं our ability to foster well-being in diverse cultural settings। Coming to our end now, with this we are ending this video here only। Video helpful और अच्छी लगी हो तो video को like कर देना, comments में मुझे जरूर बताना कि कैसी लगी video and इसके बाद जो है part 4 आ जाएगा आपका, that is unit 4 आपका आ जाएगा mainly, तो उसे भी आप जरूर checkout कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस इसकी वीडियो मैंने प्रीवियसली बना रखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। विद दैट्स इट, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।